हेलो सेवन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 11 प्रैक्टिकल मनी स्किल यानी कि चेक कैसे भरते हैं और डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं ये देखेंगे। ऑन योर बर्थडे तुम्हारे बर्थडे वाले दिन यू गॉट 3810 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव। तुमको 3810 रुपये मिले हैं जो कि बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे रिश्तेदारों से मिले हैं। योर पेरेंट्स वांट यू टू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम इस अमाउंट को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो यानी कि जमा कर दो। फिल द इन योर पे स्लिप टू डिपॉजिट द अमाउंट। इस पे स्लिप में अपने अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए भरो। योर अकाउंट नंबर इज ये तुम्हारा अकाउंट नंबर है। यू हैव वन नोट ऑफ रुपीज़ 2000 ये कह रहा है एक नोट तुम्हारा 2000 रुपये का है। थ्री नोट्स ऑफ रुपीज़ 500 तीन नोट आपके 500 के हैं। टू नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 दो नोट आपके 100 के एंड वन नोट ऑफ रुपीज़ एक नोट 50 रुपये के एंड सिक्स नोट आपके 10 रुपीज़ के। तो हम किस तरह से भरेंगे, जैसे आज की तारीख है, आज तारीख है 8/8/9/2020 ठीक है, दोनों तरफ डेट है दोनों तरफ भर देंगे 8/09/2020 ठीक है। एक कॉलम ठीक, अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर हमारा है, दोनों साइड अकाउंट नंबर भरेंगे। कैसे भरेंगे, 4 2 9 6 3 1 8 9 4 × 0 एंड इसके बाद 2 4 दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। 4 2 9 6 3 1 8 9 4 × 0 and 2 4 ठीक है। यह पाक ये भर दिया अकाउंट नंबर। अगला है क्रेडिट कार्ड संख्या, ये हम नहीं क्रेडिट कार्ड से नहीं दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा। अगला है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगला है पैन नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर है तो वो लिखेंगे। इसके बाद है नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं कोई नाम लिख रही हूँ अरुण, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अरुण सोलंकी। ये खाता किसके नाम है, अरुण सोलंकी के, ठीक है। तुम्हारा जो नाम है तुम्हें वो नाम लिखना है, तुम्हारे नाम से खाता है। अब हमें इसमें दिखना है कि कितने के नोट हैं, तो ठीक है 2000 के कितने नोट हैं, एक, तो 2000 × 2000 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2000, ठीक है। फिर 500 के कितने नोट हैं, तीन, तो 500 × 3 यानी कि 1500, यहाँ पर 1500। टू नोट्स ऑफ 100 तो यानी कि 100 × 2 यानी कि 200। वन नोट ऑफ 50 यानी कि 150 × 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 और यहाँ पे भी 50। सिक्स नोट्स ऑफ 10 यानी कि 10 × 6 यानी कि 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारी राशि हो गई 3810 और यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे 3810 और यहाँ पे आप अपना साइन कर सकते हैं। जैसे इसका नाम अरुण है तो ये क्या लिखेगा, अरुण। यहाँ आपको साइन नहीं करने हैं, यहाँ पर कौन करेगा, बैंक वाला करेगा। आप जैसे कि इसी स्लिप को भराता है, इसी जो चीज़ें यहाँ भरी है हमने वही का वही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि कितने रुपीज़ हैं, 1000 का नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितने का है 2000 का, तो 2000 ठीक है, 1 कितने हो गए 2000, 500 के कितने हैं हमारे पास 3 तो कितने हो गए 1500, 100 के कितने 2 यानी कि 200, 50 के कितने 1 यानी कि 50, इसको क्रॉस कर देंगे। 10 के कितने हैं 6 यानी कि 60, अब इनको टोटल हमारा कितना है 3810। अब ये आ गया हमारा, अब ये हमने स्लिप भर दी, यहाँ पे भी आपको साइन करने हैं अपने और जमा करा देनी है। इस तरह से स्लिप भरते हैं। अब इसी तरह से इसके में यू हैव रिसीव्ड ए चेक ऑफ रुपीज़ 5001 आपको एक चेक मिला है 5001 रुपये का फ्रॉम योर स्कूल एज स्कॉलरशिप। आपकी स्कूल ने आपको चेक दिया है कितने हज़ार का, 5001 रुपये का।
तो फिल द पे स्लिप टू डिपॉजिट द चेक इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। अब यही का यही आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट में जमा कराना है। अब आपको क्या करना है, योर अकाउंट नंबर आपका अकाउंट नंबर वही है। अब आपको क्या करना है, चिल्ड्रन बैंक द चेक इज ऑफ द चिल्ड्रन बैंक चॉइडर पार्क दिल्ली एंड द चेक नंबर इज दिस। अब हमें चेक नंबर दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इस स्लिप को भरना है। डेट वही भरनी है जो आज डेट है, मैं वो भर रही हूँ। जैसे कि आज 8 है तो 08092020। अब यहाँ पे भी लिख देंगे 08092020, ठीक है। अब यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, खाता नंबर आपका पता ही है आपको, 4296318940024। यही अकाउंट नंबर आपको यहाँ भरना है, 4296318940024। कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर लिखना है हमें। अब क्रेडिट कार्ड से हम नहीं दे रहे हैं तो हम क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं लिखेंगे। अब अगला है हमारा, देखो चेक नंबर, हमें चेक देने, चेक नंबर है तो हमें चेक किससे मिला है, चिल्ड्रन बैंक जॉयडर पार्क। तो यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रन, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक से भर रहे हैं तो चेक लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा चेक नंबर क्या है, 1016725, तो यहाँ लिख दिया। अब कितना रुपीस भरना है, 5001, बाकी को क्या कर देंगे डैश। अब यहाँ पे 5001, तो यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे 5001 ओनली, और यहाँ पे देने वाला अरुण है इसलिए अरुण ने साइन किया है। इसी तरह से खाता नंबर भी यहाँ पे लिखा था, अब कौन सी शाखा का है, बैंक की एवं शाखा, तो चिल्ड्रंस बैंक जॉयडर पार्क दिल्ली से मिला है आपको ये। अब आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, यहाँ पे 5001 लिखना है, यहाँ पे साइन कर देना है।